नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कमल के सीड्स के बारे में बताएंगे। कैसे कमल के बीज के द्वारा हम घर में अपने यहाँ कमल के पौधे को उगाएं, तो आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ये कमल के सीड्स हैं, बीज हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये कमल के बीज हैं, ये कैसे उगाए जाएंगे तो इसको आपको हम दिखा, ये आपको एक तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाइट करके छोटा सा बीज के ऊपर, इस तरफ में आपको एक है और एक तरफ इस तरफ में है, ये दो साइड है कमल के। इसमें आपको करना ये है कि एक तरफ जिधर कांटे जैसा दिखाई दे रहा है ये आपको, इसको घिसना होता है। और इसको घिसने के लिए आप स्लेस कागज़ ले सकते हैं या चक्कू से आप काट सकते हैं। जब ये पूरा घिस करके उजला उजला आपको जब दिखाई देने लगे तो आपको अब पानी में डाल देना है। पानी में आपको ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसी को आपको घिसना है। और चूंकि कमल के बीज ये हार्ड होते हैं, आपको इसको घिसना होता है। घिसने में थोड़ा सा देरी लगेगा, लगभग 2 मिनट लगेंगे आपको घिसने, 2 से 2.5 या 3 मिनट भी लग सकते हैं। उसके बाद में आपको ये देखने, इसके माला भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कमल के बीज के बहुत ही बड़ा महत्व है, लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय हैं, इससे श्री सूक्त के द्वारा हवन किए जाते हैं। वास्तु शांति इत्यादि किसी भी पूजन कर्म में, यज्ञ यागादि में कमल के बीज से हवन भी किए जाते हैं। और ये कमल का बीज है और इसी से आज हम आपको दिखाएंगे कमल के पौधे कैसे उगाए जाते हैं। तो इसको घिसना कैसे है, मैंने आपको बताया कि श्रेस कागज़ हो या कहीं प्लास्टर किया हो दीवार पे, जो पेंट नहीं किया हो, सूखा हो, केवल बालू सीमेंट से प्लास्टर किया हो, तो उसी पर केवल घिसिए। एक तरफ जिधर कांटेदार हो उस साइड नहीं घिसना है, ठीक है, ठीक उसके विपरीत साइड जिधर चिकना हो, ये कांटेदार है और ठीक इसके विपरीत साइड में आपको घिसना है, ये प्लेन है। तो चलिए हम ये देखिए, अब पूरा फोटो आ गया, ये कांटेदार नहीं है और ये देखिए कांटा है इसमें, ये आपको पूरा साफ साफ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस साइड में घिसना है और ये कांटा है, इस साइड नहीं घिसना है, और घिसना इस साइड में है जिधर हल्का छेद टाइप का दिखाई दे उधर साइड ही घिसना है। ये मैंने घिस लिया है और घिसा हुआ उजला हो गया, इस प्रकार से आपको घिस लेना है। और ये घिसा हुआ कमल का है, घिस करके मैंने थोड़ा सा साइड से काट दिया है और इसको पानी में डाल देना है, ध्यान रहे इसको पानी में डाल देना है। अब हम इस घिसे हुए कमल को पानी में डाल देते हैं, ये हमने पानी में डाल दिया है, ये पानी में एक बीज चले गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पहले दिन का ये सारा कुछ है, अब हम आपको देखते हैं अब कितने दिन तक ये जमते हैं। ये 4 दिन बाद हम देख पा रहे हैं ये कमल के बीज निकल गए हैं, ये मैं आपको निकाल कर देख दिखा रहा हूँ, ये कमल के बीज निकल चुके हैं। बड़ा सावधानी से इसको निकलना होता है क्योंकि पानी में रहते रहते ये थोड़ा चिकना हो जाता है, तो हम आपको बड़ा सावधानी से निकाल करके ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसमें से ये देखिए एक और निकल चुके हैं, ये देखिए ये कमल के बीज हैं, ये 4 दिन बाद के ये आपको हम दिखा रहे हैं। आप भी इसको जर्मिनेट कर सकते हैं और अपने घर में कमल के पौधे को लगा सकते हैं, ये 4 दिन बाद के पौधे हैं।
तो इसको मैं फिर डाल देता हूँ कुछ दिन के लिए और। ये हमने डाल दिया है। और ये बीज आप कहाँ से लाते हैं तो मैंने आपको आज इसी के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये लोटस सीड्स, इसमें सारे विधि बताए गए हैं कैसे जर्मिनेट करने हैं जब इसको पौधे को। ये मैंने बीज मंगाए थे और अब हम फिर इंतज़ार करते हैं इसमें, जब तक कि रूट्स नहीं आएंगे, जब तक कि इसमें जड़ नहीं आ जाएंगे तब तक हम इसको मिट्टी में नहीं लगाएंगे। तो आपको हम सारे विधि बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहें, मिट्टी में कैसे लगाएं वो सारे विधि हम आपको बताएंगे। तो मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हम बहुत सारे बीज डाल दिए हुए हैं और इसमें जो हमने पौधे डाले थे वो एक, आज देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक लीप्स इसमें तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर लीप्स आए हैं, इसमें पत्ते भी निकल आए हैं। ये देखिए कितना बड़ा सा निकला है रूट्स और इसमें ये रूट्स भी निकल आए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रूट्स निकले हैं, इसमें जड़ निकल आए हैं और इसके साथ ही एक इसमें और शाखा उत्पन्न हो गया है। और भी देखिए बहुत सारे इसमें हमने बीज डाल रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबके ऊपर में छिला हुआ है। और ये देखिए बहुत सारे बीज मैंने डाले। ये देखिए फिर इसमें एक और है, एक और निकल रहे हैं अभी, ये देख पा रहे हैं एक और निकल रहे हैं। और मैंने ये बड़ा वाला, मैंने जो मैंने पहले दिन जो डाला था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निकल गए। अब इसमें चूँकि रूट्स आ चुके हैं तो मैं आज इसको मिट्टी में लगाऊंगा और इसके लिए मैंने एक छोटा सा बाल्टी लिया है। वैसे आप ऐसे ही टब में आप लगा सकते हैं, इसके भी विधि है और मैं आपको आज बताऊंगा कैसे इसको लगाना है मिट्टी में। चूँकि अब इसमें रूट्स निकल गए हैं तो अब ये मिट्टी में लगाने लायक हो गया है। इसके लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, जैसे गाँव में पानी जहाँ पे ज़्यादा जमते हैं वो जगह पे मिट्टी, उस मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहते हैं, चौर बिहार में चौर उसको कहा जाता है, वहाँ की काली मिट्टी आप उसमें ज़्यादा अच्छा होगा उसमें आप लगाएं तो। बाकी पहाड़ी मिट्टी जो लाल मिट्टी होती है वो भी चिकनी मिट्टी होती है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो हम आपको लगा कर बताते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग ये बाल्टी है छोटी सी और ये बाल्टी का जो साइज़ है मैं आपको दिखा दूं, इसमें लगभग 20 लीटर आएंगे पानी और ये 20 लीटर का ये बाल्टी है और 20 लीटर के बाल्टी में ये मैंने चिकनी मिट्टी डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लसलसा है, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है और ये पहले ही बारिश के कारण गीली हो चुकी थी। तो आप इसको ला कर के पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें ताकि ये पूरा बिल्कुल गीला हो जाए, बिल्कुल महीन इसको कर देना है और इसमें पानी डाल देना है। तो हम पानी डालते हैं। हाँ तो मित्रों अब हम चलते हैं, ये हमारा बाल्टी है और 20 लीटर का ये बाल्टी है, 20 लीटर का ये बाल्टी है और इस 20 लीटर के बाल्टी में हमने आधे से कम में, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिट्टी मैंने डाला चिकनी मिट्टी है और इसको मैंने बिल्कुल 20 मिनट तक गीला किया है पहले। और अब हम इसमें इस कमल के पौधे को आपके सामने लगाऊंगा। इसमें कैसे ये लगाए जाते हैं इसको मैं दिखाता हूँ। ये पहले मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना ले रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है, कोई बात नहीं है, इसमें मैं और जगह बना लेता हूँ। और जगह बनाने के बाद में ये तो खैर जगह बना ही हुआ है, कुछ ज़्यादा गीला हो गया ये मिट्टी, ये देखिए ये थोड़ा फर्क टाइट है, या हमें इसको डाल दूंगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये कमल के हमारे पौधे हैं और इसमें ये देख पा रहे हैं आप ये इसके पत्ते हिल रहे हैं और जड़ बीज में इसके देखिए ये दो रूट्स हैं, ये दो इसमें शाखा, एक शाखा और आप देख रहे हैं नीचे में, हम कहेंगे कैमरा को सामने लगाएं जड़ के पास में ताकि आप ये देखें, ये नीचे में जड़ के पास में ये तीसरी शाखा ये नीचे बिल्कुल निकल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूं,
ये तीसरी शाखा भी इसमें से निकल गए हैं, और ये देख रहे हैं रूट है। मैं इसको अब लगा दूंगा, ये मैं इस पर इसको लगा देता हूँ। और चूँकि भगवान विष्णु के द्वारा ये इसकी उत्पत्ति है, मैं चूँकि ये ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आते, इसको ज़्यादा अंदर नहीं करना है, बस इतना ही करके और छोड़ देना है, जैसे देख रहे हैं। और ये पत्ती इसको हम ऊपर कर लेते हैं, और इसमें हम पानी डाल देंगे, लोटा से हम पानी को डालेंगे। इसको साइड से पानी डालेंगे, बिल्कुल साइड से धारा नहीं देंगे। हाँ, धीरे 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 धीरे। और ये मिट्टी मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, पूरे पानी को डाल दीजिए, इसको भर देना है बाल्टी को। धीरे 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 ये पानी भर जाएगा। ये अभी आपको पानी पूरा गंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही पानी साफ हो जाएंगे 20 से 25 मिनट के बाद में बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा। जैसे मिट्टी नीचे बैठेंगे पानी साफ हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये पत्ते हैं इसके, ये पत्ते हैं। अभी एक लिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ये पानी से इसको भर दिया है। और ये इस प्रकार से आप वीडियो को बनाएं। इस तरह से हमने इस कमल के पौधे को मिट्टी में एक बाल्टी में लगा दिया है, और आप भी इस तरह से अगर चाहेंगे तो आप भी लगा पाएंगे। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप भी अपने घर में कमल के पौधे को लगाएं। आशा करता हूं आप लोगों को भी कमल के पौधे के लगाने की इस विधि को आपको अच्छा लगा होगा, इस कमल के विधि को कैसे लगाएं। तो हाउ टू लोटस ग्रो फ्रॉम सीड्स। धन्यवाद।